में कविता लिखूंगा, सुनाऊंगा। तब तक कश्मीर में खूनी नदियां बहेंगे, तब तक कश्मीर में खूनी नदियां बहेंगे, तब तक सीमाओं पर सैनिक मारे जाएंगे, तब तक सीमाओं पर सैनिक मारे जाएंगे। अरे कश्मीर यदि चाहते हो तो एक जंग और हो जाने दो, अरे कश्मीर यदि चाहते हो तो एक जंग और हो जाने दो, और फिर से रावलपिंडी से सीमा पार तिरंगा लहराने दो, फिर से रावलपिंडी से सीमा पार तिरंगा लहराने दो। साथियों, रोज हम जब देखते हैं हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं देश के, तब मैंने उड़ी हमले के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ट्वीट करते लिखा था कि हाथ मिलाना बंद करो मोदी जी पाकिस्तानी आकाओं से, हाथ मिलाना बंद करो मोदी जी पाकिस्तानी आकाओं से, बहुत हुए प्रेम पत्र व्यवहार इन पाकिस्तानी नापाकों से, बहुत हुए प्रेम पत्र व्यवहार इन पाकिस्तानी नापाकों से, और प्यार की भाषा इन्हें समझ नहीं आती, अब इनकी भाषा में समझाना होगा, और थोड़ा करके सबका इधर से लाहौर में तिरंगा लहराना होगा। बहुत कम संख्या में मात्र शक्ति है, लेकिन जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है वो माताओं से मिलती है। हमारा नेतृत्व करती है माता करती है, क्योंकि माता हर घर का चिराग जलाती है, और इसलिए मैं उनको मेरी चंद पंक्तियों में उनको सम्मान करना चाहता हूँ। कि राष्ट्र के हर संकट में हाथ बटाने लगी है बेटिया, राष्ट्र के हर संकट में हाथ बटाने लगी है बेटिया, सुना है अब सीमाओं पर रात को गश्त भी लगाने लगी है बेटिया, रात को गश्त भी लगाने लगी है बेटिया, और जब सीमाओं पर बढ़ने लगती है आतंकियों की घुसपैठ तो हाथों में थमा AK-47 दुश्मन पर गोलियां बरसाने लगी है बेटिया, दुश्मन पर गोलियां बरसाने लगी है बेटिया।